आर्ट्स प्रोडक्शन का ये जो प्रोजेक्ट है वो टीम क्या कह रहे थे कि बहुत अलग हटके प्रोजेक्ट है, एक ऑफबीट फिल्म है। सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहूँगा अपने मीडियाकर्मी, अपने जनता जनार्दन को, मेजय यादव। ये बहुत अच्छी कोशिश है फिल्म की। धीरेन्द्र जी ने इसको प्रोड्यूस किया है, डायरेक्ट किया है, और इसके मेन आर्टिस्ट में हैं कुणाल जी, उसके बाद हैं बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं। और मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहूँगा इस फिल्म को, और कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी कोशिश है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसी फिल्में बन रही। सर आप जानते हो क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर? काफ़ी अलग हटके प्रोजेक्ट है। डायरेक्टर धीरेन्द्र कुमार झा जी के बारे में, जो कलाकार हैं इस फिल्म के बारे में। भोजपुरी दर्शकों का करण पांडे का प्रणाम। मैं एक ही बात कहूँगा जो मैं ऊपर कह के आया, कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए दम चाहिए। वो दम किया है कि जो कुणाल जी ने अपने ऊपर खुद के, खास करके आज की डेट में जो हीरोइज्म में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, और नो डाउट झा जी का बहुत अच्छा प्रयास रहा है, एक अलग सा कॉन्सेप्ट। मुन्ना जी को मैं बधाई दिया कि बहुत अच्छा एक कर्ण प्री म्यूजिक था, म्यूजिक सुंदर, बहुत सुंदर म्यूजिक है इसका। जी, और प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है? कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट जिसके बारे में बताना चाहेंगे? जी अभी फिलहाल काफ़ी सारी फिल्में हैं जो मेरी लाइन से आ रही हैं, और अभी आपने देखा होगा कि मैं रंग बिरंगने वाली का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसको दर्शकों का बहुत बहुत ढेर सारा प्यार मिला है आम्रपाली जी के साथ में। अभी कल के दिन मेरी एक मेरा एक ट्रेलर रिलीज हुआ है निधि झा जी के साथ में, साथ छुट्टी ने साथ दिया। और अभी लाइन से है 6-7 प्रोजेक्ट्स हैं जिस जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है, काजल जी के साथ में है, काजल आडवाणी जी के साथ में, रानी जी के साथ में है, और शुभि जी के साथ में है। अभी बिफोर यू की फिल्म रिलीज हुई थी थावे वाली माँ, जो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसका भी रहा। तो बस ऐसे ही आप लोगों का प्यार बना रहा, बहुत सारी फिल्में करेंगे। ये भी जानना चाहूँगा कि आदि में लेटी शुगर अच्छा बिजनेस की है, कितनी अच्छी बात है इंडस्ट्री के लिए कि अभी भी थिएटर्स खुले नहीं हैं प्रॉपरली, फिर भी बिजनेस अच्छा हो रहा है। जी देखिए, जब तक दर्शक अच्छी फिल्मों को अपना प्यार देंगे नहीं, अपना आशीर्वाद देंगे नहीं, तब तक अच्छी फिल्में बनेंगी नहीं। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, चाहे वो मेरी फिल्म हो या किसी की भी फिल्म हो, अगर अच्छी फिल्में बन रही हैं तो आप लोग सिर्फ यूट्यूब पे या टीवी पे मत देखिए, उसका वेट मत कीजिए, थिएटर में जाइए और उसे अपना प्यार दीजिए। और उसे जितना भी आप ज़्यादा प्यार देंगे, देखिए एक दीदा जाता उदाहरण है रोटी कि अच्छी फिल्मों की वजह से ही ऐसी फिल्में आज के डेट में बननी शुरू हुई है। तो आप लोग जो भी फिल्में अच्छी लगी, चाहे वो किसी की भी हो, नए आर्टिस्ट की हो, किसी भी बड़े आर्टिस्ट की हो, आप लोग उसे अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए, तो आप लोग जैसा चाहते हैं वैसी फिल्में बनेंगी। सर आप बताइए, आप क्या करेंगे प्रोफेशनल लाइफ में, क्या चल रहा है आपके, और कितना बदला है समय इंडस्ट्री का, एक डेढ़ साल में क्या देखने को मिला आपको? एक डेढ़ साल में कोरोना ने लोगों को अहमियत दिखा दी अपनी खुद की, लोगों की, कौन अपना है कौन नहीं है, किस चीज़ के लिए आपको जीना है और क्या आपके लिए ज़रूरी है। जैसे आपने अभी पूछा कि लिट्टी चोखा के बारे में पूछा, तो लिट्टी चोखा तो हमारी फिल्म था, मैं तो था उसके अंदर, और मेरे ख्याल से लॉकडाउन के बाद पहली फिल्म ही रिलीज़ हुई है और ब्लॉकबस्टर फिल्म हुई, बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। अच्छी फिल्म आप बनाएंगे तो दर्शक 100% देखेंगे। आपकी कोशिश, आपकी ईमानदारी, डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की, एक्टर की, एक स्पॉट बॉय भी जो हमारा होता है वो भी उतना इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी फिल्म के अंदर, कि हर किसी की मेहनत दिखती है। अगर अच्छा सिनेमा बना है तो उसमें सबका योगदान होता है। अभी OTT ने पूरा मार्केट कवर कर लिया है, मतलब हर लैंग्वेज में, मराठी से लेकर तेलुगु, तमिल, मलयालम, अभी भोजपुरी का उस तरह का मार्केट नहीं है OTT का, तो उसके बारे में बताइए कि क्या वेब शो या वेब सीरीज में काम करना कितना आपको लगता है कलाकार के तौर पर आपको एक संतुष्टि देगा? मुझे क्या लगता है, इससे तो मैं ये जजमेंटल नहीं हो सकता हूँ, डिसीजन भी नहीं दे सकता हूँ, बट हाँ ये ज़रूरी है कि जैसे दूसरी लैंग्वेजेस का OTT में रिस्पांस अच्छा है, उसी तरह अगर हमारी, जैसे ये पिछले 1-2 साल में जिस तरह से भोजपुरी में बदलाव आया है, हर किसी को एक अच्छा ब्रेक मिला है, हमारे कई हीरो, हमारे कई अच्छे दोस्त जय भी जिन बहुत अच्छे हैं, कि लोगों को प्रतिसाद मिला है दर्शकों का, चाहे वो OTT हो, चाहे समझ लीजिए चैनल्स पे हो, TV's पे, जो भी मूवीज आ रही हैं, अच्छी सिनेमा बनेगा तो OTT क्या, हर प्लेटफॉर्म पे वो हिट। जी आपसे चाहूँगा कि भोजपुरी से तालुका रखते हैं, कुछ दिन पहले खेसारी जी गए थे बिग बॉस में, फिर अक्षरा जी गई, क्या कहना चाहेंगे कि आपको कुछ ख्वाहिश है बिग बॉस में जाने की, और आपने देखा था जब अक्षरा जी थी बिग बॉस के? जी अभी खेसारी जी अक्षरा जी से नहीं, उसके पहले से भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत लोग जा चुके हैं, जिनमें से
रवि जी जा चुके हैं, श्वेता तिवारी जी जा चुकी हैं, तो बिग बॉस में अगर हमारे भोजपुरी को कोई रिप्रेजेंट करता है तो वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और अक्षरा जी के बारे में बात करेंगे तो अक्षरा जी ने बहुत अच्छा, मैंने जहाँ तक देखा, मैंने उनको फॉलो भी किया, उनको बहुत बहुत बार मैंने पोस्ट भी किया था, वोट किया हम लोगों ने, यस यस यस, तो अक्षरा जी ने बहुत अच्छा प्लेट किया। और मैं, हालांकि वो विनर नहीं रही, लेकिन जहाँ तक मैंने जितना देखा है, अक्षरा जी ने जैसा खेला है और जैसा वहाँ पे परफॉर्म किया है, वही विनर थी मेरे लिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि कितनी अच्छी बात है वोटर इंडस्ट्री के लिए, कलाकारों का जाना बिग बॉस? सर आप ये देखिए कि उनके लिए कितनी बड़ी बात है कि वो भोजपुरी के एक कलाकार को बुलाते, वो उनकी मजबूरी हो गई आज की डेट में। पूरे हिंदुस्तान में हमारे भोजपुरी को देखने वाले इतने दर्शक हैं कि आज उन्होंने ये बना लिया है कि अगर उनका जो भी बिग बॉस रहेगा, बिग बॉस में एक कंटेस्टेंट एक भोजपुरी से जाएगा, ये बहुत बड़ी। करण जौहर ने पहले ही एपिसोड में अक्षरा जी से बोला था कि आपने बोला है कि 9 करोड़ का पॉपुलेशन है, क्या वो आपके लिए वोट को देखेंगे? और मैं डैम श्योर हूँ कि 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वोट को देखा होगा अक्षरा जी के लिए। मतलब आप लोग कहना चाहते हैं कि भोजपुरी सिनेमा के बगैर है बॉलीवुड? नहीं, ऐसी बात नहीं है, किसी के लिए भी कोई कम नहीं है, किसी के लिए कोई ज़्यादा नहीं है। भोजपुरी सिनेमा के बगैर बॉलीवुड नहीं है, लेकिन भोजपुरी सिनेमा को निकाल के भी बॉलीवुड नहीं है। पिछले 3 साल में मैं आपको बोलता हूँ कि आप देखिए जितनी फिल्में आई हैं, एक्सपेरिमेंट फिल्में, जिनको आप कमर्शियल सिनेमा नहीं बोल सकते हो, लेकिन उन्होंने वो सारी फिल्में कमर्शियली हिट रही हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा उदाहरण है आयुष्मान खुराना के आर्टिकल 50, बहुत बड़ा। उसके बाद में आप देखिए ये क्या फिल्म थी, उनका नाम नहीं याद आ रहा, कई फिल्में हैं ऐसी, राजकुमार राव की बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। देखिए जो भी बड़ी फिल्में आप देखिए, चाहे दबंग देखिए, चाहे पीके देखिए, वो बैकग्राउंड भोजपुरी हमारे यूपी बिहार का ही बैकग्राउंड पकड़ते हैं। आज यूपी में सब्सिडी चालू है, देखिए यूपी में एक लाइन से एक भी दिन कोई भी ऐसा शहर नहीं जहाँ शूटिंग नहीं चालू है, ना कि भोजपुरी, हिंदी की बड़ी बड़ी फिल्में वहाँ शूट। इस पे क्या कहेंगे कि हिंदी गाने का मिक्स वर्जन आ रहा है भोजपुरी गाने में? पवन सिंह के 2 गाने आ चुके हैं, हिट हुए, तो उसके बारे में क्या ख्याल है? पवन जी भी बोल रहे हैं, सारी जी भी कर रहे हैं, पवन जी भी नहीं, मिक्स वर्जन आया है पवन जी का, हिट हो रहे हैं, इसका मतलब अच्छा अच्छा, वो कोई फॉर्ड नहीं है, कोई वल्गर नहीं है, वो देखिए तो सही, पवन जी की आवाज आई और लोगों ने एक्सेप्ट किया, मिलियन टू मिलियन व्यूअर्स हो रहे हैं, खेसारी जी ने गाया, खेसारी जी हिट हुए, तो इससे बड़ी बात क्या है कि भोजपुरी ही नहीं, हिंदी को भोजपुरी की जरूरत पड़ रही है आज की। एक दूसरे के पूरक है, बिना एक दूसरे के चल नहीं सकते हैं, और बॉलीवुड को भी ऑडियंस चाहिए, और हमारे जो यूपी बिहार की ऑडियंस है या फिर मुंबई की ऑडियंस है, वो बॉलीवुड को हिट कराने में एक बहुत बड़ा हाथ होता है उनका, तो इसलिए वो लोग इस कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं। जनरली सभी को ये शिकायत रहती थी कि भोजपुरी फिल्मों को नेशनल अवार्ड के दर्ज पे क्यों नहीं देखा जा रहा है, या हमारी फिल्में क्यों नहीं जा पा रही हैं, तो आई गेस ये फिल्म जो रोटी है वो कुछ इस तरीके से बनी, बिल्कुल आर्टिस्टिक ये फिल्म है, और इस गर्ज के साथ मैं कह सकती हूँ कि जिस तरीके से ये फिल्म बनी है, काइंड ऑफ हम उसको एक अपनी फिल्म को अप्रोच कर सकते हैं फॉर अ नेशनल अवार्ड, तो आप समझ सकते हैं कि अगर मैं नेशनल अवार्ड का नाम ले रही हूँ तो ऑफिस जो अपने नाम लिया, मैं कहूँगी बहुत ही आर्टिस्टिक है, बहुत ही इमोशनल ये फिल्म है, और रेगुलर भोजपुरी फिल्म से बिल्कुल डिफरेंट है। ये भी कहना चाहूंगा कि जब इस तरह की फिल्म में काम करते हैं तो कलाकार के तौर पर आपको कैसे तैयार करते हैं, जो सिंपलिसिटी होती है इस फिल्म में, कैसे अपने को प्रिपेयर करते हैं इस तरह के रोल के लिए? देखिए अगर आप एक्टर हो तो किसी भी रोल को प्रिपेयर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर आपके डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, आपके राइटर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब हम नरेशन सुनते हैं उसके बाद जब हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो बैक ऑफ द माइंड वो सीन बहुत ही क्लियर, मतलब विविड तरीके से चलना शुरू हो जाता है। तो अगर आपकी कहानी क्लियर नहीं है, अगर आपको डायरेक्टर ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप कोई भी फिल्में करो आप खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। अभी ऐसे आपने नेशनल अवार्ड की बात की, 60-70s में जो फिल्म होते थे उसे मिला भी है नेशनल अवार्ड, लेकिन अभी के ज़माने में जो फिल्में बन रही हैं, आपको लगता है आगे चलते किसी कलाकार को या फिल्म को मिल सकता है? देखिए शुरुआत हमने रोटी से कर दी है और आगे देखते हैं कि क्या होता है, इससे बहुत लोगों को काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि बूस्टअप मिलेगा, कि सिर्फ हमेशा बहुत ही इंटरटेनमेंट सिनेमा जो बनती है, तो उसके अलावा भी हम अगर इस तरीके के कॉन्सेप्ट को उठा करके अगर फिल्में बनाएं
तो दर्शक जरूर पसंद करेंगे। हर तरीके का सिनेमा बनना चाहिए, हमेशा एक बीट पे सिनेमा बनना शायद मोनोटोनस हो जाता है, इस वजह से लोग हमारी इंडस्ट्री को सिर्फ एक वे में देखते हैं। इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट जिस तरह बताना चाहेंगे, क्या कर रही हैं आगे? नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जो है मेरी फिल्म आने वाली है, लाइक अभी नासिर जमाल सर की जो फिल्म मैंने की है, कल्लू जी उसमें है, हम लोग सोलो लीड हीरो हीरोइन हैं, जिया बेकर आरबा लास्ट ईयर सितंबर में कंप्लीट किया था, हैदराबाद में बिल्कुल साउथ की टीम थी उसमें, कल्लू की दुल्हनिया फिल्म की, अभी एक शिकारी फिल्म आने वाली है, वो भी एक बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म है, जो हॉरर आप कह सकते हो वैसा है लेकिन हॉरर से बिल्कुल डिफरेंट है वो, और रोटी है एक फिल्म मैंने पहली की है यशी के साथ, वो आने वाली है, तो और भी फिल्में बहुत सारी, मुझको लगता है कि 10 फिल्में तो मेरी अभी मार्केट में आने वाली है। सर आप जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, काफ़ी क्लास प्रोजेक्ट बनाया है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी मिलती है जब आप कुछ अलग हटके करते हैं अपने क्षेत्र में? वही खुशी मिलती है जो अभी आप सवाल कर रहे हैं शायद अगर अच्छा लगे हो तो शायद अभी पूछते भी नहीं। और कहाँ से प्रेरणा मिली है इस तरह का प्रोजेक्ट करने के लिए और कॉमर्शियली? राम जी आपको रोटी कहाँ से मिली है बताइए, सुनील पाल ने रोटी आपको दिया खाने के लिए? अभी देंगे ना सर, देंगे। सुनील पाल जी इस फिल्म का नाम है रोटी, कुणाल जी फिल्म में हीरो है, मैडम हीरोइन है, रोटी की जरूरत है सही में। सर कैमरा में देखिएगा भाई, जैसे दो साल से लॉकडाउन चल रहा था, हर आर्टिस्ट रोटी के लिए भाग रहा था, ढूंढ रहा था रोटी, फाइनली इस रूप में रोटी आ रही है लोगों के सामने, दर्शकों के सामने आ रही है और कलाकारों के सामने भी आ रही है, तो मैं इस रोटी का सम्मान करता हूँ। और रोटी जो है वो सबसे ऊपर श्रेष्ठ जिसका रखा गया है, मतलब नास्तिक भी दो बार पेट पूजा करता है, जो नास्तिक है जो कोई पूजा नहीं करता वो पेट पूजा भी दो बार करता है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ऐसा टाइटल है जो हर किसी के लिए, हर किसी को सूट करता है, हर किसी को इसकी ज़रूरत है, हर तबके को ये पसंद आएगी फिल्म। फिल्म बन रही है इन भोजपुरी लेकिन हम दे रहे हैं भाजीपुरी। तो सर क्या ये रोटी पेट भर देगी भोजपुरी सिनेमा को? बिल्कुल भरेगी, मुझे लगता है कि एक नई क्रांति आने वाली है, एक गैप के बाद जो भोजपुरी सिनेमा में गैप आ गया था, पेंडेमिक आ गया था और बहुत सारी चीज़ें आ गई थी, बड़े बड़े नेता सॉरी बड़े बड़े अभिनेता नेता बन गए थे, तो ये अभिनेता और एक्ट्रेस की और सबकी कमी हो गई थी, लेकिन मुझे ऐसा था कि रोटी से फिर एक बार अवार्ड रिवॉर्ड हिट सुपर हिट स्टार्स की एंट्री की शुरुआत हो जाएगी, एक नया भोजपुरी सिनेमा, एक नई भोजपुरी दुनिया आप तक पहुंचेगी, हम तक पहुंचे। कैसा ट्रेलर लगा आजकल ये ओड का जो आपने मायने रखा है, बड़े लेवल पे चल रहा है, पढ़ रहे हैं दो पाँच तो किस तरह आप ये ओड को आगे मायने रखेंगे कि खत्म होने वाला है? मतलब अवार्ड पर डे एक अवार्ड हो रहा है, पर डे के अवार्ड हो रहा है। ट्रेलर देखा आपने, कैसा लगा आपको ट्रेलर? ट्रेलर बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा है, और चावल के दाने से पता चलता है कि बिरयानी कितनी अच्छी है, टेस्टी है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव लोग हैं, खासकर संजय और ये पूरी टीम जो है बहुत पॉजिटिव लोग हैं, और अपने फिल्म से और अपने काम से मैं प्यार करते हैं, तो मैंने कहा जब नास्तिक को जब दो बार पेट मुझे करना पड़ता है, तो जो स्वास्तिक होंगे उनके साथ तो ईश्वर भी है और ईश्वर की सारी पॉजिटिव शक्ति है, तो मैं कह सकता हूँ कि जहाँ ईश्वर की शक्ति है, जहाँ नारी शक्ति है, वहाँ सारी शक्ति है, और जब सब कुछ एक साथ हो तो वहाँ सफल ही सफल होता है। तो चावल में रोटी मिक्स है सर, क्या है चावल आप बताएं? चावल में रोटी दाली चोला अच्छा डिश हम लोग बनाते हैं हमारे महाराष्ट्र में, सुबह में रोटी बच जाती है, चावल बच जाते हैं, तो हम सबको दोनों को भिगो के ऐसा बताते हैं चाइना का बाप भी नहीं बना सकता, उन्होंने चाइनीज हमारी कॉपी कर ली लेकिन ये नहीं कर पा रहे। कुणाल जी क्या रोटी क्या कहना चाहती है जरा दर्शकों को बताएं? रोटी सर इधर सर कैमरा अच्छा मेन ये है हर जगह रोटी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, भुखमरी के बारे में, बहुत साल पहले जैसे हमारी ये स्टोरी है 1970 की स्टोरी है, जब हिंदुस्तान में जो जातिवादी थी बहुत चरम पे थी, जो बड़े कास्ट वाले थे वो छोटे जाति वालों को कभी अगर घर के सामने से भी लोग क्रॉस करते थे तो इनफैक्ट पैर पैर फिट जाना पड़ता था, और आज भी बहुत जगह ऐसे हमारे हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी ऐसी रूरल एरियाज हैं जहाँ पे आप जाएंगे तो आज भी लोग लिटरली एक रोटी के लिए परेशान हैं, जो भी लोग बातें करते हैं कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं या फिर चीज़ें बेहतर हो रही हैं, आप ये सोचिए कि इस 2021 में हम उस लोकेशन पे शूट करके आए हैं
तो ये जो है बहुत ही जीता जाता उदाहरण है कि आज ही हमारे हिंदुस्तान में ऐसे घर भी जो है मौजूद हैं जो आज तक उन लोगों को वैसे पक्के मकान नहीं मिले। सर आप कहना चाह रहे हो 50 साल में कुछ चेंज नहीं हुआ हिंदुस्तान में? चेंज हुआ भी और नहीं हुआ, होता है ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हम एक चीज़ को देखते हैं दूसरी चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, तो ये दूसरा पहलू है जो हमने रोटी में दिखाई। सोनालिका जी को रोटी खिलाया था शूटिंग पे? डाइट पे रहती है ना, खाई है। सुनील जी रोटी खाने आया, कह देंगे है बच्चों को है? बिल्कुल है, इसके लिए बहुत सारे रोटी है, हम तो पास कर रहे हैं। मैं अगर खुद खाना पड़े तो नास्तिक होती है लोगों की रोटी, तो फिर और खिलाए तो स्वास्थ्य है। चार टाइप की रोटी। सोनालिका जी फिल्म के डायरेक्टर के बारे में कुछ कहेंगे? He's a very awesome, fantastic person, और उनके डायरेक्शन में काम करके बहुत मुझको मज़ा आया। और मैंने जैसा कि आपको बहुत पहले बोला हुआ था कि किसी भी किरदार को निभाना किसी भी एक्टर के लिए बड़ा आसान होता है अगर आप स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझाया जाए, नरेशन बहुत अच्छे से दिया जाए, डायरेक्टर आपको बहुत अच्छे से डायरेक्ट करे, तो आधा काम तो वहीं पर हो जाता है। म्यूजिक मैं ट्रेलर देखा, म्यूजिक मतलब आधा ट्रेलर खत्म होता है, कुछ अच्छा म्यूजिक आया है, म्यूजिक पर कुछ कहना चाहेंगे? म्यूजिक बहुत अच्छा है, इसमें मेरे तीन गाने हैं और तीनों गाने बिल्कुल अलग अलग तरीके से पिक्चराइजेशन किए गए हैं। हालांकि अभी ट्रेलर में शायद आपको एक गाना देखने को मिलेगा, बट फिल्म में तीन गाने हैं और उसके लिए आपको फिल्म देखना होगा। एक सीन है उसमें ट्रेलर में देख रहा हूँ, कुछ आटा वगैरह लपटे हैं, क्या कुछ क्रिएटर ने बताया उसके बारे में? अभी आपने एक सवाल पूछा था कि क्या आपने सोनालिका जी को रोटी फिल्म में खिलाई, तो आप देखो मैं तो आटे से सनी हुई थी, मैं तो आटे से सनी हुई थी। मतलब कुणाल जी आपने आटा बर्बाद कर दिया? आटा यूटिलाइज हुआ था, लेकिन कुणाल जी उसमें पचाड़े दिख रहे हैं। ये पोस्टर अब दिख रहा है, लाठी लेके बैठे हुए हैं और काजल यादव जी थाली लेके बैठे हुए, क्या कुछ क्रिएट कर रहा सीन? वही क्रिएट कर रहा जो रोटी है, ये सिंबल है, सेंट्रिक कैरेक्टर है रोटी, इससे सारी चीजें जैसे बोलते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, आपको जो है जीता जागता उदाहरण है, आपको इसी से समझ जाना चाहिए कि रोटी है तो कुछ गरीबी होगी। कुणाल जी लोग कह रहे हैं कि ये अवार्ड विनिंग सिनेमा बनाया है आपने और मिला भी है शायद अवार्ड इसको, तो आगे क्या ऐसे ही सिनेमा बनाएंगे आप कि कुछ और नया रहेगा? एक्चुअली मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ऐसे ही कुछ मैं एकदम और रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि इससे पहले हमने एक फिल्म बनाई थी, उसका नाम था तूरिया और भाती हम, और वो इंटरटेन चैनल से आई थी उसे, और उसको हम लोग आज भी प्रोसेस में है उसको नेशनल अवार्ड के लिए। और ये रोटी जो है 31 दिसंबर से पहले एक प्रक्रिया होती है नेशनल अवार्ड की, और जितने भी सारे जो अवार्ड्स होते हैं या फिर फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पे ऐसी फिल्में दिखाई जाती हैं, तो हमारी हर जगह ऑल ओवर वर्ल्ड, जैसे मैंने बोला ऑन रिकॉर्ड बोल रहा, ऑल ओवर वर्ल्ड की शायद भोजपुरी फिल्म होगी, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा बहुत सालों से एक्टिव नहीं हूँ, बहुत सालों मतलब मैं 6-7 साल से ही भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मेरा घमंड नहीं है, ये पूर्ण विश्वास है कि जो लोग भी पूरी फिल्म देखेंगे, 2 घंटा 54 मिनट की फिल्म है हमारी रोटी, और जो लोग देखेंगे उनको लगेगा कि हम जो अभी बता रहे हैं वो 110% करेक्ट है। वो फिल्म आप देखेंगे तो जब से भोजपुरी इंडस्ट्री स्थापित हुई और आज के समय तक ऐसी फिल्म आपने लिटरली नहीं देखी। कुणाल जी एक और क्वेश्चन है आपसे कि बहुत सारे सिनेमा ऐसे हैं कि जो लैंग्वेज सिनेमा रिलीजन सिनेमा जो है मराठी हुआ या हिंदी हुआ या तमिल तेलुगु ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुए, कभी भोजपुरी सिनेमा नहीं हुआ, ऐसा क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि जब शिक्षित लोग, जब कोई गायक से अभिनेता न बन के आएगा तो शायद मिलेगा। तो क्या आप इसके लिए कोशिश कर रहे हैं आगे? वही तो बोला रोटी भाई, ये कोशिश, इससे पहले कोशिश और भी की थी तू दिया और बाती हूँ, और वो बहुत ही ज़्यादा उसकी अच्छी TRP आई थी भोजपुरी सिनेमा पे, आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, अगर आप चाहें तो पता भी कर सकते हैं। सुनील पाजी पहले बॉलीवुड में जरूरत पड़ती थी रोटी कपड़ा और मकान की, इस बार भोजपुरी में सिर्फ रोटी की जरूरत है, शिक्षा पर प्रहार कर रही है, इस पर आपकी कुछ खास राय? बिल्कुल, रोटी का मतलब ही होता है दुनिया की हर जद्दोजहद, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो सम्मान हो, चाहे अवार्ड हो, रिवॉर्ड हो, आदमी बोलते हैं ना रोटी के लिए ही सब, इवन अंबानी भी अगर घर से बाहर निकल रहे लोग कहते हैं ना 2 वक्त की रोटी नहीं कर रहे हैं, तो रोटी जो है वो बहुत हर चीज़ों से जोड़ती है, आदमी शहर से बाहर भी जाता है, विदेश में भी जाता है, कहीं पर भी जाए उसकी
मंशा ये होती है कि रोटी मिले और वो इज्जत की रोटी मिले, और भोजपुरी समाज इस मामले में मैं समझता हूँ कि बहुत रिस्पेक्टेड है, क्योंकि वो गमछा कंधे पर रख लेते हैं और मेहनत और पसीना बहाते हैं और रोटी कमाते हैं इज्जत की। चमचा गिरी में कभी नहीं जाते, हमेशा गमछा गिरी में रहते हैं। जिस टाइटल का नाम ही रोटी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग भी 2000 किलोमीटर दूर आए हुए इसी रोटी के लिए, तो बिल्कुल उसमें कुछ खास होगा। तो वास्तव में एक अलग और अद्भुत स्टोरी और कॉन्सेप्ट लग रहा है, और बिल्कुल झा जी जितनी फिल्में बनाई है सब डिफरेंट बनाई है। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ ऑल टीम को कि ऐसे ही फिल्में और भी बनाते हैं। अमित जी, आपको क्या लगता है कि दर्शक कितना इसको एक्सेप्ट करेंगे जब ये थिएटर में आएगी? कभी क्या है, लोगों को जो एक माइंडसेट है भोजपुरी फिल्मों लेकर, उसी माइंडसेट के साथ आते थिएटर में, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर, बहुत ही अच्छा है, रियलिस्टिक है, क्योंकि मुझे याद है मैं राजेश खन्ना फिल्में थी बहुत सारी, उस समय भी रोटी को लेकर बहुत झगड़े हुआ करते थे, बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी। मुझे ऐसा लग रहा है इस सिनेमा में भी कुछ ऐसा ही होगा, एक अलग होगा, और रोटी हमारे जीवन भर के लिए एक हमसे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, तो ये कभी फेल नहीं होगा, हमेशा इसकी जीत होगी। और क्या चल रहा है प्रोफेशनल लाइफ में, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या कोई वर्क देख रहे हैं आप, ऐसा प्रोजेक्ट देख रहे हैं? जी, मेरी 3-4 बड़ी फिल्में जो कि जल्द रिलीज होने वाली है, जिसमें साथ में त्रिशा जी भी, जयमा बिंदवासी, अलीशा जी लोगों के बीच में आएगी, और राजमहल वो भी आएगी, और भी बहुत सारी फिल्में किया हूँ जो बैक टू बैक, अभी मार्केट खुला है, सिनेमा थिएटर सब शुरू हुआ है, तो एक करके एक आएगी। अपकमिंग अभी मैं एक फिल्म 7 तारीख से शूटिंग करने इलाहाबाद जा रहा हूँ, भाग्य विधाता, तो बस सभी का आभार हो, बस सभी का आभार हो। आप बताइए क्या कहते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, रोटी के बारे में, और जो निर्देशक है धीरेन्द्र कुमार जी का, कितना अच्छा प्रयास है उनका, और जो कलाकार का जो एक्टिंग रोल काफी काबिलियत एक्चुअली आज मेरे पास, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई हूँ। उसका रीजन ये है कि 2014 में मैं बॉम्बे आई थी, एंड उसके बाद बंगाली जो आर्टिस्ट होते हैं ना, उनको पैसे से ज़्यादा अवॉर्डिंग सब्जेक्ट एंड सब्जेक्टिव मूवी, कमर्शियल से ज़्यादा वो चीज़ अच्छा लगता है। तो मुझे एक ही बस आसामीस मूवी मिली थी, पत्तावन, जो 2015 में इंटरनेशनल दिल्ली फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मिला था, और अब तक 15 के बाद 6 साल से मैं अवार्ड की भूखी हूँ, बिकॉज बंगाली कलाकार को कहीं ना कहीं वो सत्यजीत राय के टाइम से। आज मुझे इस फिल्म में, आई डोंट वॉन्ट टू कंपेयर एनीबडी विद एनीवन, इस फिल्म से मुझे कहीं ना कहीं एक भोजपुरिया धनुष दिखा जो वर्सिटाइल एक्टर कर, मतलब कर सकता है, और मैं, हर आर्टिस्ट अलग है, बट इनमें एक अलग ही मुझे एक चीज दिखा जो मैं एज ए आर्टिस्ट और एज ए ऑडियंस, आर्टिस्ट तो बहुत बाद में हूँ, एज ए ऑडियंस मैं कहना चाहती हूँ, ये वर्सिटाइल जो चीज होता है ना, जो मैंने देखा ट्रेलर, उसके बाद में बोल रही, हो सकता मैं ट्रेलर नहीं देखती तो मैं ये सब्जेक्ट नहीं समझ पाती, बहुत पब्लिक पसंद करेगा मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, और ये मूवी को अवार्ड, नेशनल अवार्ड या इंटरनेशनल अवार्ड जरूर मिलेगी, मेरी उम्मीद है। और क्या चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं आप, या कौन सा प्रोजेक्ट आने वाला है उसके बारे में? मैं भी काफी प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हूँ, जैसे अमरीश जी के साथ एक प्रोजेक्ट किया है जयमा विधवासिनी, जो आने वाली है, भगवान पे के ऊपर है, माता पे है, एंड नेक्स्ट कल मेरा एक मुहूर्त हुआ, जैसे कि आप सब जानते हैं, सती नागिन वो, एंड मेरी और भी फिल्म आने वाली है, जैसे कि रिलीज पे है जो 2021 में नहीं रिलीज हो पाई, 20 में नहीं रिलीज हो पाई, नरसंहार है, आंख में चोली है, चुलबुल की बुलबुल है, और भी काफ़ी सारा प्रोजेक्ट्स है, एंड मैंने एक हिंदी बॉलीवुड मूवी किया है जिसमें मुग्धा गोडसे है मेन लीड में, और वो भी एक ललिता पे सब्जेक्ट है, शायद उस फिल्म में अवार्ड मिल जाए। राहुल सर, आपसे पता है इतने दिन सब इंडस्ट्री का हिस्सा है, क्या कहना चाहेंगे इस तरह का प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा आपको लगता है कॉमर्शियली सक्सेसफुल हो सकता है, या फिर फिल्म फेस्टिवल के हिसाब से कितना ज़्यादा आपको लगता है कामयाब हो सकता है? मुझे लगता है कि प्रयास बहुत अच्छा है, और मैं हमेशा से इस चीज़ का पकता रहा हूँ कि सब्जेक्ट के ऊपर काम करना चाहिए। मैं हिंदी से हूँ, और मैं भोजपुरी में आने का कारण भी सिर्फ यही था कि हम कुछ सब्जेक्ट लें। अभी मुझे किसी राइटर से इन्होंने मिलाया, और पहले मैं मिल चुका हूँ, मुझे याद नहीं था उनसे, तो मैं उनसे भी इसीलिए मिला था कि कुछ सब्जेक्ट्स, तो इस टाइप के सब्जेक्ट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है भोजपुरी में। अगर भोजपुरी में हम लोग, प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग समझ नहीं पाते, हमें ये लगता है कि हम एक्शन कर लेंगे, हम कुछ अलग टाइप की फिल्में कर लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। हमारे अपनी भी कुछ सब्जेक्ट्स है जो हमारे गांव देहात से रिलेटेड है, हमारी अपनी चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो हम डेली जिससे जूझते हैं,
अगर हम उस चीज़ को उस चीज़ों को लेके सब्जेक्ट बनाएंगे तो मुझे लगता है डेफिनेटली इट होगा, क्योंकि ऑडियंस अपनी चीज़ों को देखने जाती है। अगर अपनी चीज़ों को वो नहीं देखेगी, आप हिंदी की तो हिंदी में तो देख ही रहे ना, तो हमारे यहाँ क्यों आएंगे? तो ज़रूरत है, मैं आज वही बात कह रहा हूँ सारे लोगों को, मैं यही कहता हूँ कि आप अच्छे सब्जेक्ट पे काम करेंगे तो डेफिनेटली भोजपुरी में बहुत अच्छा होगा और डेफिनेटली सक्सेस होगा। जैसे आपने अभी अमरीश जी को एक सवाल किया था कि क्या आपको लगता है कि ऑडियंस जाएंगे, ऑडियंस इसलिए नहीं जाते हैं कि सब्जेक्ट अच्छा बन रहा है या बुरा बन रहा है, उसके लिए नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ थिएटर्स की कमी है, थिएटर ढंग के है नहीं। अगर थिएटर हमारे पास अच्छे हो जाए, आप एक चीज़ देखिए कि हमारे यूट्यूब पे जो फिल्में हैं या दूसरी चीज़ों पे है व्यू कितना है, तो व्यू वो अपने आप में जाहिर करता है कि हमारे पास ऑडियंस है, लेकिन हमको सब्जेक्ट अच्छे बनाने की ज़रूरत है, और अगर अच्छा सब्जेक्ट बनेगा तो डेफिनेटली इट हो। ये भी कहना चाहूँगा, एक डेढ़ साल से देखने कितना बुरा वक्त चल रहा है खासकर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, और भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो आपको पता है कि अभी भी मल्टीप्लेक्स में उससे रिलीज नहीं होती, तो आगे क्या भविष्य नज़र आ रहा है आपको, रिवाइव कब तक हो जाएगा ये इंडस्ट्री का जो भी नुकसान हुआ है? मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी रीजनल फिल्में बन रही है उन सबसे बेटर जो है वो भोजपुरी कर रही है। मैंने ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेज में फिल्में बनाई है, अगर आपको नहीं पता होगा तो थोड़ा सा डिटेल ले लीजिएगा, मराठी भी बनाई, बंगाली भी बनाई, पंजाबी भी बनाई, भोजपुरी भी की है, हिंदी भी की है, 23 साल से इस इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि भोजपुरी से बेटर कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता, कोई इंडस्ट्री नहीं है। उसका रीज़न ये है कि अगर हम सब्जेक्ट करें, क्योंकि हमारे यहाँ आबादी अच्छी है, हमारे यहाँ पे लोग प्यार करने वाले हैं, लेकिन हम वो प्यार जो है उनको पाने के लिए तत्पर नहीं है। उसका रीज़न है कि हम कुछ और कर रहे हैं। अगर हम दूसरे की कॉपी, जैसे हम, मैं भोजपुरी में बोलता हूँ कि हम अपन माई के छोड़ के दूसरा के कहीं कि ये हमारा माई है ये, तो ना चलिए। भोजपुरी अगर भोजपुरी है तो भोजपुरी बोलिए, भोजपुरी पे गर्व करिए, डेफिनेटली आप अच्छा करोगे। क्या बात, प्रोजेक्ट का मैं चाहूंगा कि क्या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं फिलहाल, और कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो बहुत ज्यादा एंबिशियस प्रोजेक्ट हो आपका? मैं हमेशा एंबिशियस रहा हूँ, और मैं जब भी सब्जेक्ट कोई काम करता हूँ मुझे उसमें ये नहीं है कि अगर आपने कुछ सब्जेक्ट सुनाया तो उसका अगर सब्जेक्ट हिंदी हो भोजपुरी हो, अगर उस लैंग्वेज के लिए वो माकूल है, उसके लिए बेटर है, तो मैं डेफिनेटली करूँगा। एक तिलक करके एक सब्जेक्ट है, किसी एक मेरे फ्रेंड ने लिखा है, एक किताब है, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर फिल्म बनाना चाहूँगा भोजपुरी में। सर आप जैसे क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर, और आपका जो जुड़ाव है इस प्रोजेक्ट से क्या कहेंगे? सबसे पहले अपने सभी भोजपुरी दर्शकों को गोपाल सिंह जी नमस्कार है। आज हम सभी आए हैं, ये हमारा फर्स्ट लुक आउट हुआ है फिल्म रोटी का। कहते हैं कि कंटेंट स्टोरी ही हीरो होता, तो वाकई ये फिल्म देखने के बाद इसका भी हमने ट्रेलर देखा, मजा आ गया देख करके। और जिंदगी की जितनी भी हमारी भाग दौड़ है सुबह से शाम तक, वो रोटी कपड़ा मकान के लिए होता है, उसमें रोटी सबसे एक नंबर पर ही है, ईश्वर की इबादत है। तो हम जो मेहनत करते हैं सुबह शाम, उसी के मूल में ये रोटी है। और इस पर जो फिल्म बनाए, जो हमारे छा साहब इसके निर्माता हैं और कुणाल जी हीरो हैं, सोनालिका जी इसकी हीरोइन है, तो नो डाउट लगा कि हम आज से 50 साल पहले जो भोजपुरी बनती थी और जो फिल्में जो हिट होती थी, तो ये फिल्म उसमें मिल के पत्थर साबित होगी। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो भी भोजपुरी दर्शक हैं इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। थैंक यू सर। पहले मैं गीतकार संगीतकार बोलना, तो सभी दर्शक और नमस्कार। इस फिल्म का जब सब्जेक्ट हमारे पास आया, राइटर साहब साथ में यादव जी, तो जब मैं सब्जेक्ट ये सुना कि एक तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं 1970s का सब दौर का, तो फिर वैसा ही मुझे म्यूजिक, वैसा ही गाने, सारे चीज़ें मुझे क्रिएट करना पड़ा। और जो भी लोगों ने, जितने लोगों ने गाने सुने और देखा, काफ़ी लोग कह रहे हैं गाने बहुत अच्छे बने हैं, और जब आएंगे तो आप लोग भी बीच गाने जरूर रहेंगे। सर ये वजह कि काफ़ी अच्छा संगीत दिया अपने करियर में आपने, लेकिन जो बात हिंदी में अगर म्यूजिक देने की बात होती है, हिंदी फिल्मों में जो पहचान उनको मिलती है या जो जिस तरह से उनको कामयाबी मिलती है, आपको क्या लगता है कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों को उतना कामयाबी मिलना चाहिए आगे चल के? क्योंकि मेहनत तो सेम ही लगता है, बाकी वर्क भी आप लोग का काफ़ी अच्छा होता है, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? देखिए ऐसा है ना कि बॉलीवुड इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और हम लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी गाने नहीं करता हूँ, हिंदी काफ़ी गाने मैंने किए हैं और
बहुत सारे गाने अच्छे अच्छे चले भी हैं, लेकिन भोजपुरी ये हमारी समझ लीजिए कि जैसे कहते हैं हिंदी मातृभाषा, तो ये हमारी बोली है और ये हमारी माँ है, तो हम इसकी जितनी सेवा करते हैं, माँ तो माँ है लेकिन हिंदी बाप है, बाप तक अभी पहुँचेंगे धीरे धीरे। सर आप बताइए, आपने राइटिंग किया है फिल्म और कैसी लिखी आपने फिल्म, बहुत तारीफ हो रही है। मैं जो समस्या थी 1970 की या बिफोर, सर कैमरे में देखिए, आज़ादी के पहले उस समस्या के बारे में बहुत सोचा गया कि रोटी बनाया जाए, और जो हम लोग का जो समाज है आज़ादी के पहले जिस रोटी के लिए स्ट्रगल था 1970 के आसपास भी, उसी स्ट्रगल को मैंने महसूस किया, तो उसके समाधान की रोटी के समाधान के लिए मैंने एक ही चीज़ पाया। आज़ादी के बाद हम लोग रिजर्वेशन सुनते आ रहे, मैं इसका पक्षधर हूँ रिजर्वेशन का, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारा जो वर्ग है जो रिजर्वेशन की मांग करता है उसको सबसे ज़्यादा मांग करनी चाहिए शिक्षा की, आरक्षण की भिक्षा नहीं शिक्षा चाहिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग शिक्षा की तरफ अग्रसर नहीं हो रहे हैं, अगर शिक्षा की तरफ बढ़े हमारे देश के लोग शिक्षित होंगे तो विकास अपने आप होगा, शिक्षित नहीं होंगे आपको कितना भी आरक्षण मिल जाए आप सक्सेस नहीं हो सकते, पहले शिक्षित होना जरूरी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या हमारे देश की जो सरकार है उसकी दो तीन चीज़ों में काम करना चाहिए। पहला तो शिक्षा, हमारे हर बच्चों को, आप 10वीं पास कर लिए 8वीं पास कर लिए आप शिक्षित हो गए ऐसा नहीं है, कंपलसरी आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। और शिक्षा मतलब समाज में 10 लोग सब बैठ कर अभी अपने रोजी रोटी के बारे में बात कर सकें, शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने इस मूवी के जरिए लिखने का प्रयास किया है कि हर वर्ग के बच्चों को शिक्षित होना जरूरी है, शिक्षित हो जाएंगे तो हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनने से या फिर सुप्रीम पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो शिक्षा से रोटी का क्या मतलब है? शिक्षा जरूरी है कि अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो मैं आपसे बात कैसे करूँ? रोटी आपने फिल्म बनाई है तो शिक्षा से रिलेटेड रोटी का क्या मकसद? रोटी अगर शिक्षित हो हम तो, अगर हम शिक्षित हैं तो रोटी की जो समस्या है उस समस्या को समाधान कर सकते हैं, शिक्षित नहीं है तो हमें बहुत स्ट्रगल करना है, पक पक पर स्ट्रगल करना पड़ता है। तो सर ये कहानी आपकी अपनी पर्सनल कहानी है या आपने देख के कुछ ऐसा देखा उसका? सच क्या जो कुछ पढ़ा हूँ, कुछ महसूस किया हूँ, अपने घर को देखा, अपने परिवेश को देखा, अपने लोगों को देखा जो शिक्षित नहीं थे, उनके सामने क्या समस्या है, मैं उन्हीं वर्ग से आगे बढ़कर अब शिक्षित हुआ तो मैंने उस समस्या को कैसे पार लगाया। तो सर ये 1970 का है, आप आज क्या देखते हो, आज भी वही समस्या देख रहे हो देश में? आज भी समस्या है क्योंकि हमारा देश पूरी तरह से शिक्षित नहीं है, महंगाई वैसे ही है, जब तक शिक्षित नहीं होगा फाइट नहीं कर सकते हैं, कंपटीशन में भाग नहीं ले सकते हैं, आप जहाँ खड़े थे आप वहीं पर खड़ा रहिएगा जब तक आप शिक्षित नहीं होते हैं। रोटी तो मिलेगी, 2 जून की रोटी मिलना बहुत मुश्किल है, देखने स्ट्रगल बढ़ गया, नौकरियाँ नहीं है, जितनी कंपनियाँ प्राइवेट हो रही है आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा सर, आपको शिक्षित होंगे तब जाके कंपटीशन में भाग लेंगे तभी आपको नौकरी मिलेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। मुन्ना जी म्यूजिक के बारे में बताइए, म्यूजिक कितना रिलेट करता है रोटी से? इसके जितने सिचुएशन वगैरह हैं सब सिचुएशन पे गाने बने हैं, और हम ये नहीं कहते कि हमने बहुत टॉप चीज़ बनाया है, स्टोरी के अनुसार गाने सब बने हैं और ये तो पब्लिक बताएगा ये गाने अच्छे बने हैं कि बुरे बने हैं। कुणाल जी सिनेमा में एक्टर है तो कुणाल जी को आप कैसे देख रहे हैं आने वाले सिनेमा में, इनकी एक्टिंग को, इनका जो काम करने का तरीका है? फर्स्ट देखा जब पहले हमने कहा कि मुझे बहुत कमाल का लुक लगा और कमाल का ये सब्जेक्ट भी था, और जो उनका गेटअप था, जो काम के जो एक्ट किए हैं बहुत अच्छा उन्होंने काम किए हैं। इनकी पहली फिल्म को भी बहुत सराहा गया था, तो इस फिल्म से कितनी उम्मीद रखते हो आप, आपका गाना भी है इसमें? इस फिल्म से बहुत उम्मीद है कि हमें भी इस फिल्म के लेकर के नेशनल अवार्ड मिले, क्योंकि उस लेवल के इसमें गाने भी हैं और सब्जेक्ट भी वैसा है। थैंक यू सर। नमस्कार सभी दर्शकों को, मेरा पंकज मेहता का नमस्कार, और मैं अभी रोटी का ट्रेलर देखने आया था, बहुत ही प्यारा ट्रेलर लगा,
और हमारे कुणाल तिवारी जी का काम बहुत अच्छा लगा। ये इससे पहले भी मैंने इनकी पिक्चर का ट्रेलर देखा था, दिया और बाती, उनका भी बहुत प्यारा ट्रेलर, इमोशनल ट्रेलर था। और अच्छा लग रहा है कि काफ़ी सब्जेक्टिव ये पिक्चर उठा रहे हैं और सबको कर रहे हैं, और डायरेक्टर सर धीरेन्द्र जी का बहुत अच्छा लगा। चाहेंगे कि ऐसे डायरेक्टर के साथ जी, मैं एक्टर हूँ, पंकज मेहता नाम हुआ मेरा, और अभी मेरी एज ए लीड पिक्चर आ रही है सनैया के खेल, जो कंप्लीट हो चुकी है, बेबसी, ड्राइवर बाबू, ये दो तीन पिक्चर हैं जो अभी आप लोगों के सामने बहुत जल्द आने वाली हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनको भी देखें आप लोग। थैंक यू के मानते हैं इस फिल्म को, और कितनी अच्छी बात है कि थोड़ा अलग हट के फिल्म आ रहा है, एक स्टैंडर्ड फिल्म आ रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में। जी सबसे पहले तो मैं विष्णु शंकर, एक्टर डायरेक्टर, आप सभी को नमस्कार करता हूँ, तमाम देखने वाले दर्शक और श्रोता को। और आज हम जिस मौके पर यहाँ उपस्थित हुए हैं, फिल्म रोटी के ट्रेलर लॉन्च का एक पहला दिन था, तो आज हम सब ने मिलके रोटी का ट्रेलर देखा, जो कि एक देखने के बाद एक बहुत ही अलग तरह की सोच उत्पन्न हुई, बहुत ही रियलिस्टिक सोच, रियलिस्टिक अप्रोच को लेते हुए इस फिल्म की परिकल्पना की गई है और उसी तरीके से बनाया भी गया है। तो ये एक बहुत ही अलग तरह का प्रयास है, और जैसा लोग सोचते थे, जैसे कई लोग ऐसा पहले बोलते थे नहीं इस तरह की फिल्म बननी चाहिए, तब ये अलग अलग विषयों पर और अलग अलग तरीके से और अलग मतलब इतना रियलिस्टिक अप्रोच वाली फिल्म, मतलब जिसमें हीरो है तो रियल बियर्ड बढ़ाया हुआ है, अगर गाँव का कोई गरीब का लुक है तो कॉस्ट्यूम से लेके लोकेशन से लेके, और बहुत अच्छे है एक्टर, और मैं खास तौर पे डायरेक्टर धीरेन्द्र कुमार झा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इतनी अच्छी सोच लेके इस सिनेमा को लेके आए। तो ये बहुत अच्छी पहल है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोग इसका अनुसरण करेंगे, और बेहतरीन एक स्वर्णिम पीरियड हमारे भोजपुरी के लिए आने वाला है, ये उसका आगाज है। सर आप बताइए कैसा आपको लगा ये फिल्म का ट्रेलर, और क्या कहेंगे डायरेक्टर के बारे में और आर्टिस्ट जो है उनके बारे में आप? सर सबसे पहले मैं देवेंद्र कुमार पाठक, और मैं भी इस फिल्म में एक पात्र हूँ, जो मैंने मुखिया का कैरेक्टर निभाया है। धीरेन्द्र जी का काम तो इससे पहले भी मैंने दो तीन फिल्में इनके प्रोडक्शंस की कर चुका हूँ, बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही कलात्मक दृष्टिकोण से ये फिल्म को सोचते हैं और बनाते हैं। तो आज जिस समय भोजपुरी का जो दौर चल रहा है, उस दौर के लिए ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मील का पत्थर साबित है। तो कैसा अनुभव था इस फिल्म का ऐसा होना आपका? बहुत ही अच्छा, और हमें याद है कि हम लोग कंटिन्यू डे नाइट, मतलब इस फिल्म को वो जो कहानी था, जो उसकी आत्मा थी, उसको रूप देने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, बहुत प्रयास किया। बरसात में हम लोगों ने रियलिस्टिक शूटिंग किया है, जो लोग थोड़ा यूज करते हैं, हम लोगों ने इतना अच्छा साधन और उस तरीके से अरेंज करके उन सब चीज़ों के बीच में बरसात होते हुए शूट किया, और उन्हीं कीचड़ में, पानी में भरा हुआ, क्योंकि वो जो आत्मा थी इस कहानी की, इस स्टोरी की, उसको वो दिखाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने इतनी प्रेरणा दिया सभी कलाकारों को, टेक्नीशियनों को, कि सारे उत्साहित होकर के वो काम कर रहे थे। बहुत अच्छा माहौल था, बहुत बढ़िया। मेरा नाम विजय कुमार यादव है, मैं फिल्मों की मार्केटिंग करवाता हूँ, और वैसे तो मैं प्रोड्यूसर भी, डिस्ट्रीब्यूटर भी बहुत कुछ हूँ, क्योंकि बहुत पुराना अनुभव है, लेकिन आज ये पिक्चर देख के बड़ी मतलब अनुभूति अच्छी हुई, कि कम से कम आज के दौर में तकरीबन करीब मोस्टली सभी लोग रियलिस्टिक फिल्में बनाने लगे हैं, जो मुद्दों पर कुछ उठाते हैं। कुणाल जी के बड़ा बेहतर अभिनय लगा, इसके पहले भी उन्होंने दिया बाती मैंने देखा था, उस पिक्चर की मार्केटिंग मैं ही किया था, मुझे बहुत प्रभावित किए थे, हाँ, और उस पिक्चर का मैंने बड़े अच्छा से ये किया। ये फिल्म भी बहुत मुझे अच्छी लगी, धीरेन्द्र जी ने बहुत अच्छी बनाया है, कुणाल जी ने क्या अभिनय किया है, और आपको हीरोइन अपनी ये है काजल यादव, दोनों लोग का बेहतरीन, और भी सारे जो कलाकार हैं सभी ने अच्छा काम किया है। बहुत दिनों के बाद अच्छी मूवी मतलब ये बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
सर आप पर्ची लिए जाना हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इस तरह का प्रोजेक्ट कितना जरूरी है बनना आप सर? नमस्कार, मैं राम पटेल और अभी हमने जो रोटी फिल्म का ट्रेलर देखा तो वाकई बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है और कहीं कहीं कहा जाए जैसे भोजपुरी के ऑडियंस को इस ढंग की फिल्में चाहिए, जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं बॉलीवुड से करते हैं साउथ से करते हैं, कहीं कहीं वो लोग कॉन्सेप्ट और कंटेंट पे बहुत मेहनत करते हैं, तो अभी जो देखा तो एक लगा जो अपना जो अपनापन होता है भोजपुरी में और कहीं कहीं ऑडियंस को जो अपनी भोजपुरी की चीज़ें वो नहीं मिलती है देखने को, तो इस फिल्म में अपना कल्चर मिल रहा है और हमारी जो यूपी बिहार से जुड़े हैं जो अपनी जो समस्याएं हैं जो कि इन्होंने 70 के दौर का जो अपना दौर था उसको दिखाने के मतलब कि जो कोशिश किया है कहीं कहीं वो साफ दिख रहा है और जो समस्याएं हैं वो साफ दिख रही हैं, तो बड़ी खूबसूरत ढंग से इन्होंने डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है और जितने भी आर्टिस्ट हैं कहीं कहीं कैरेक्टर को पकड़ के बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, तो देखा तो बहुत मजा आया और मुझे लगता है कि जब हमारे बीच में ट्रेलर आएगी मूवी आएगी तो लोगों को एक जो अपना कल्चर है जो अपनी भोजपुरी है और जो अपना संस्कार है संस्कृति है वो बहुत अच्छे तरीके से इसमें देखने को मिलेगी। थैंक यू सर, बहुत तारीफ हो रही है आपके फिल्म की, क्या कहेंगे फिल्म के बारे में? सबसे पहले मैं आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहूँगा, सभी दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। तारीफ तो वो तो पब्लिक का ये है, देखिए हमें हमारा मेहनत करना है और लोगों तक सही चीज़ पहुँचानी है, यही हमारा प्रयास। तो फिल्म का कॉन्सेप्ट आपको कैसा समझ आया, आपने कैसे इस पे प्रोड्यूस किया है, इससे पहले क्या सोचा था? क्रेडिट मैं तो खुद लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये राइटर का होता है, राइटर हमारे ओम प्रकाश यादव जी हैं, तो वो कॉन्सेप्ट हमें देते रहते हैं समय समय पर और हम उस पर काम करना पसंद करते हैं, जैसे काम कॉन्सेप्ट अगर कहीं दिल को छूना चाहिए तभी मजा आता है काम करने। एज ए एक्टर कुणाल जी को लिया आपने और काजल जी को साथ में, तो ये कॉन्सेप्ट कैसा सोचा था दिमाग में? देखिए हम वो नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कि जो लुक हमें चाहिए और जो लोकेशन हमें चाहिए उससे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, तो मैं किसी दूसरे आर्टिस्ट के बारे में या इसके बारे में ये सब नहीं बोलना चाहूँगा, जो मुझे जो लगा जो लुक की जरूरत थी मुझे मेरे सिनेमा के लिए वो लुक मुझे मिला तो हमने उनके साथ काम कर लिया। सर आपके जो सिनेमा आपने कोरियोग्राफ किया है बहुत तारीफ हो रही है, कुछ कहेंगे? क्या बोलूँ, अच्छा लग रहा है सबको, तो उनके लिए मैं थैंक यू बोलूँगा और मैं पूरा कोशिश किया हूँ कि बहुत अच्छा हम वीडियो बनाए सॉन्ग बनाए लोगों तक पहुँचाए लोगों को पसंद आए, और जब टाइटल इतना अच्छा था रोटी तो गाना भी अच्छा बनाना मतलब कोशिश किया हम गाना भी अच्छा बनाए रोटी के हिसाब से स्टोरी के हिसाब से। आपने देखा आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं खुद किया हूँ तो और भी अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि लोग इसी तरह पसंद करें इसको प्यार। सर आप इसको अभी फिल्म रिलीज भी होगी तो इससे पहले कुछ अवार्ड वगैरह के लिए नॉमिनेट करने वाले हैं? हम कोशिश कर रहे हैं ऐसे कि नेशनल अवार्ड में इस बार भेजा जाए कि भोजपुरी की तरफ से कुछ तो मतलब अलग करने का जब प्रयास किया जा रहा है तो इसे सराहना मिले, ये हमारा भी प्रयास है, तो इसके लिए हम इसे नेशनल में भेजना चाहेंगे। ज्यादा निर्माण के साथ निर्देशन करना कितना मुश्किल था सिनेमा है? देखिए निर्माण के साथ निर्देशन करना काफी आसान होता है, इसका मतलब मैं बताता हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एज ए निर्देशक आपको पता होता है कि किस चीज की जरूरत है और किस चीज की जरूरत नहीं है, अगर निर्देशक दूसरा होता है तो उसके डिमांड अलग हो सकते हैं, तो निर्माता की तरफ से हमें लगता है कि नहीं ये हमें ज्यादा खर्चा करा रहा है, वहीं जब निर्माता निर्देशक हमें खुद हम जब करते हैं तो हमें ये पता होता है कि किस चीज की कितनी मात्रा में जरूरत है, तो उसमें एक्स्ट्रा खर्चा भी आपका कम हो जाता है, ऐसी मेरी सोच है। भोजपुरी की कौन सी पहली फिल्म आपने बनाई थी और अभी तक कितना बनाया? देखिए भोजपुरी की एज ए डायरेक्टर एज ए प्रोड्यूसर मेरी पहली फिल्म थी गुंडे, और जो एज ए डायरेक्टर मेरी पहली फिल्म थी गुंडे 2, और उसके बाद मैंने नैहर की चुनरी डायरेक्ट की थी, उसके बाद में काबिल जिसका ट्रेलर आज ही रिलीज हुआ है वर्ल्ड वाइड से, और उसके बाद यही रोटी। तो अभी टोटल कितने फिल्में आज प्रोड्यूस कर चुके हैं? मैं एज ए प्रोड्यूसर मेरे हिसाब से 15 या 16 फिल्में हो गई हैं, और अभी मैं लास्ट मंथ ही मराठी फिल्म एकलव्य कंप्लीट करके आया हूँ औरंगाबाद से, मतलब भोजपुरी से मराठी बना रहे हैं। हाँ जी, तो हिंदी के कुछ बनाने प्लान है? कोशिश में हूँ, अगर बजट साथ दे देगा तो वो भी प्रयास करेंगे। आपको नहीं लगता विजय यादव जी को भी डायरेक्टर बना देना चाहिए? नहीं बना क्या देना चाहिए, वो तो इतने सीनियर हैं कि वो तो ऐसे पिक्चर देख के समझ जाते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर उनको भी मतलब ये पता है, उसके बारे में तो खुद बताएंगे, वो है बहुत अच्छे डायरेक्टर। बताइए विजय जी कौन सा पिक्चर भी डायरेक्ट करने का प्लान चल रहा है? नहीं अभी कोई डायरेक्शन करने का प्रोग्राम नहीं है, हाँ भविष्य में किया जाएगा इसे इनकार भी नहीं है, क्योंकि यहाँ आया आदमी जीवन मानव जीवन एक ही बार मिलता है, दोबारा कहा जाता है कोई देखा नहीं है,
तो सारे सपने यही पूरे करने हैं और सबको करने चाहिए, हमारे भी करने हैं। निर्माता तो मैं हूँ ही, राइटर हूँ ही, पहले से डिस्ट्रीब्यूटर हूँ ही, मार्केटिंग का भी एक काम करता हूँ, इसमें सबका प्यार मिलता है, सारे डायरेक्टर मिले जुले तो ये काम चल रहा है अच्छा, सबको लेके मतलब अभी चल रहा है। और मैं आपको एक खेसारी जी को लेकर फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ, फरवरी में उसकी शूटिंग है, तो वो भी होगा, डायरेक्शन का भी है, देखा जाएगा, अभी नहीं कर सोचना है उस पर। तो डायरेक्शन धीरेन्द्र जी को रखिए ना अपने साथ। धीरेन्द्र जी को जरूर रखा जाएगा, ये तो बेहतरीन निर्देशक हैं। आज फिल्म इनकी रोटी का ट्रेलर देख के मैं बहुत ये हुआ, भाव विभोर हुआ कि ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए इनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और अच्छे सब्जेक्ट पे फिल्म बना रहे हैं, अच्छा निर्देशन कर रहे हैं, साथ में अभिनय भी किया इन्होंने। हाँ अभिनय भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। सिनेमा में जो देखिए पर्दा के लगाने का पैसा बचा भी रहे, पर्दा के में पर्दे पे आना जरूरी है, पर्दे के पीछे आप कुछ भी हो जनता पब्लिक नहीं जानती, पब्लिक उसी को जानती है जो पर्दे पे दिखता है, इसलिए आना भी चाहिए। और पहले भी लोग निर्देशक निर्माता जो है आते रहे हैं, कोई नई बात नहीं। तो सर अवार्ड भी तो मिलना चाहिए ना आने का। बिल्कुल मिलना चाहिए, तो आप दे रहे हैं आज, हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं, अभी कमिटी डिसाइड करेगी ना। मैं तो अभी एक्सपेरिमेंट के दौर से गुजर रहा हूँ, तो मैं पहले सब कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहता हूँ अच्छी तरीके से, फिर खुल के मैदान में आया जाएगा। बाजू में हीरो हैं, ले सकते हैं। क्यों नहीं? अभी इनका भी वो अंदर से जग रहा है, मैं देख रहा हूं। नहीं नहीं, देखिए ये इंडस्ट्री ज्यादातर ऐसा होता है कि हर आदमी पहले हीरो बनने ही आता, उसके बाद में कोई टेक्नीशियन, कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट, कोई प्रोड्यूसर या कोई डायरेक्टर, सब कुछ ऐसे बन के रह जाते हैं। तो ये इंडस्ट्री ही ऐसा, ये चमक दमक जो लाइन लाइट है इस इंडस्ट्री के साथ, हम भी यही सोच के आए थे। रोटी के लिए दर्शकों को अपील करना चाहेंगे? नहीं, मैं तो सिर्फ ये दर्शकों को यह अपील करना चाहूंगा कि बस देखें और अपना प्यार दें बस, क्योंकि हमें भी प्रोत्साहन मिलता है कि जब आप ये देते हैं या ये सब करते हैं तो हमें अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा कि आगे भी हम और इसकी कोशिश कर सकें। काफी फिल्म के ट्रेलर को काफी लोगों ने सराहा है, कुछ मैं काफी मतलब शुक्रगुजार हूँ, मतलब जो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और ये दिया, इससे मुझे और प्रोत्साहन मिलता है कि ऐसे ही प्रोजेक्ट में और करते जाऊं। और मुझे साफ सुथरे प्रोजेक्ट करने में मजा आते हैं, लोग बोलते हैं हम करते हैं साफ सुथरा, हम साफ सुथरा करते हैं, लेकिन मैं अपने प्रोजेक्ट से ही ये साबित करना चाहता हूं। मतलब ये नहीं है कि अपने हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि नहीं मैं साफ सुथरा, आप देखिए और आप खुद फैसला करिए। सर साफ सुथरी का मतलब क्या होता है? सुन सुन के हम साबुन से लगाते हैं, मतलब देखिए लोग अब क्या है कि मेरा सिर्फ एक ही मतलब ये था कि लोग ये बोलते हैं कि हम भोजपुरी फिल्म अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते, आप मेरी फिल्में अपने घर में भाई बहन बीवी बेटी माँ बेटी जो भी है सबके साथ में बैठ के देख सकते हैं, आपको किसी भी समय मुंह छुपाने की नौबत नहीं आएगी कि आपको ये बोलना पड़े या आपका बच्चा ये पूछ ले कि ये क्या हो रहा है। मतलब सीरियल टाइप मूवी बन रही है, आप जो समझ लें। देखिए हमारा काम इंटरटेनमेंट है, आपको सिर्फ इंटरटेनमेंट परोसना, ये हमारी जिम्मेदारी और उसमें हम वही प्रयास। सर फिल्में अच्छी थी लेकिन गानों में थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.